वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप ऑल ऑफ यू गाइज आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। अभी बज रहा है शाम के 4 एंड निखिल जस्ट अभी अपने पुराने घर वर्कआउट करने गया है एंड मैं भी जस्ट अभी नहा धो के सारा घर साफ करके बैठी हूँ बिकॉज टुडे द मेड डिडंट कम अगेन, सो सारा काम खुद करना पड़ा, बट दैट्स फाइन, इट्स ओके। आजकल जब भी हम घर पे होते हैं एंड मतलब कहीं भी बाहर नहीं जा रहे, ट्रैवल नहीं कर रहे होते, तो हम दोनों का एक अच्छा खासा रूटीन बन गया है फाइनली। पहले हम शादी के बाद ऑलमोस्ट हर जगह पे साथ में जाते थे, यू नो बी इट अगर निखिल को वर्कआउट करना होता तो मुझे बोलता साथ में चल, अगर मुझे कहीं जाना होता तो वो निखिल मेरे साथ चलता था एंड वी वर जस्ट टुगेदर लाइक 24/7 एंड आई थिंक दैट्स प्रीटी नॉर्मल जब आपकी शादी नई नई हुई होती है। बट आई थिंक फाइनली हम दोनों ने एक दूसरे के लिए एक नया रूटीन ढूंढ लिया है, तो अभी ऐसा होता है कि जब भी निखिल को लगता था ही नीड्स टू गो वर्कआउट एंड डू थिंग्स आउटसाइड तो खुद निकल जाता है एंड आई ऑल्सो स्टे बैक होम, मैं अपना काम करती हूँ एंड यू नो इस तरीके से हम दोनों को अपना पर्सनल टाइम मिल जाता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट टुक अस ऑलमोस्ट 6 months ऑफ मैरिज टू गेट टू दिस स्टेज, बट इट्स ओके बिकॉज यू नो मोस्ट ऑफ द पीपल नाउ आर स्पेंडिंग ऑल द टाइम टुगेदर बिकॉज ऑफ कोविड। घर से ही काम चलता है, इतना कोई इवेंट्स या काम होता नहीं है बाहर, तो इट्स इज नेचुरल। बट आई एम जस्ट ग्लैड कि फाइनली हम दोनों लाइक वी आर ओके स्टेइंग अवे फ्रॉम ईच अदर फॉर सम टाइम, बिकॉज मानो या ना मानो आई मीन आई थिंक निखिल एंड मी वी इंजॉय आर कंपनी वे टू मच, तो हमको साथ में रहना बहुत अच्छा लगता है। दैट्स एन अमेजिंग थिंग बट इट्स ऑल्सो अ बैड थिंग। आई कैन नॉट एक्सप्लेन राइट नाउ वाई इट्स अ बैड थिंग, बट यू शुडंट स्टे टुगेदर फॉर 24/7। यू नो पर्सनल लाइफ और पर्सनल टाइम करके भी एक चीज़ होती है जो बहुत सारे लोग भूल जाते हैं आफ्टर वेडिंग एंड आई थिंक वी बोथ ऑल्सो ब्रीफली फॉरगॉट इट, बट नाउ वी आर कमिंग टू दैट, सो आई एम जस्ट वेरी ग्लैड एंड हैप्पी दैट इट्स वर्किंग आउट फॉर बोथ ऑफ अस रियली। मुंबई में बारिश काफ़ी बैलेंस्ड हो गया है, अभी पूरे दिन सुबह से लेकर रात तक बारिश नहीं होती, इट्स लाइक थोड़े थोड़े टाइम के लिए सन भी निकलता है फिर थोड़े टाइम के लिए बारिश भी होती है, सो दिस इज़ अ गुड थिंग। और जब बैलेंस में बारिश होती है ना तो कुछ काम भी करना होता है आउटडोर तो कर सकते हो फुल टाइम, इट्स नॉट वेट सो इट्स नाइस, बिकॉज जब बारिश फुल टाइम होती रहती है तो सच कह रही हूँ स्टेइंग एट होम कोई काम नहीं होता, यू जस्ट फील लाइक रेस्टिंग ऑल द टाइम, बट आई एम ग्लैड कि फाइनली ऐसा मौसम हो चुका है। नॉर्मली हर रोज़ मैं अपना दिन का शुरुआत करती हूँ बाई ईटिंग फ्रूट्स, लाइक लॉट्स ऑफ फ्रूट्स, 2-3 फ्रूट्स खाती हूँ एंड देन आई विल जस्ट डू अ लिटल बिट ऑफ योगा एंड अ लिटल बिट ऑफ मेडिटेशन एंड उसके बाद में आई विल जस्ट ईट एग्स और एनी थिंग दैट गिव्स मी अ लॉट ऑफ प्रोटीन, तो ये बेसिकली मेरा खाने वाला ये होता है। पर आज आई डोंट नो आई थिंक मैं कुछ तो ऐसे यूट्यूब पे देख रही थी एंड देन मैगी का ऐड आया, लाइक मैगी कमर्शियल वाला ऐड आया, किसी इंसान ने मैगी का ऐड कैसे शूट किया, वो ऐड देखते देखते मुझे ऐसे लग गया कि आई वांट टू ईट मैगी, सो आई हैव टू चेक कि मेरे घर पे मैगी है भी या नहीं बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि मैगी होगा बिकॉज मैंने उसको रिफिल नहीं किया लास्ट टाइम के बाद, बिकॉज जब भी मैगी अगर घर पे होती है ना लाइक किचन में तो अगर उसको देख लो तो खाने का मन करता है, तो अच्छी बात ये होती है मैंने निकल डिसाइड किया कि मैगी खरीदेंगे ही नहीं, फिर अगर मन भी करेगा ना तो फिर कौन नीचे जाएगा कौन लेके आएगा सिर्फ मैगी खाने के लिए, 5 मिनट्स में मैगी खाकर हो जाती है तो उस 5 मिनट्स के लिए कौन इतना यू नो हार्ड वर्क करेगा, उस हिसाब से हम खाएंगे ही नहीं। बट अभी मेरा मन बहुत ज़्यादा कर रहा है मैगी खाने का, तो मैं जाके अपने शेल्फ में चेक करूँगी कि बस नूडल्स है क्या कोई। मुझे लगा था कि लिटरली घर पे मैगी नहीं है, बट ये वाला पैकेट कॉर्नर में ऐसे छुप के बैठा था, सो आई गॉट इट, आई वाज लाइक वाई से काम चला लूंगी, बट देन आई फाउंड दिस मैगी। आई थिंक मैंने ये वाला पैकेट बहुत लंबे टाइम पहले ख़रीदा था, मुझे पता भी था कि पीछे है, जस्ट जब मैं देख रही थी उससे कि येलो क्या दिख रहा है, आई फाउंड मैगी, तो मैं अपने आप के लिए थोड़ा सा मैगी बना के खा लूँगी एंड देन आई विल रिज्यूम। मैगी टेम्पटेशंस आर वेरी हार्ड टू इग्नोर। इन द सिटी आई वाज रेज्ड ऑन इट्स एजेस, माय पॉप वर्क इज लाइफ व्हेन इट्स कॉम्प्लेक्स। मैगी मेरी हो चुकी है तैयार, और मैगी खाने का ना सबका अपना अपना तरीका होता है, किसी किसी को अपना मैगी पसंद है एकदम ड्राई, किसी किसी को सूपी मैगी पसंद है, जैसे कि मुझे आई ऑलवेज लाइक इट सूपी, मेरे को बिल्कुल भी ड्राई मैगी पसंद नहीं है, फिर किसी किसी को एकदम वेजिटेबल्स डाल के अच्छा लगता है, किसी किसी को अंडा डाल के अच्छा लगता है, तो कमेंट डाउन लेट मी नो कि आपको आपका मैगी कैसे पसंद है। आई थिंक मैक्सिमम लोगों को अपना मैगी ड्राई पसंद है, आई एम नॉट श्योर, बट आई लव सूपी नूडल्स, बिल्कुल ऐसा वाला। तो अगर मैंने आपको मैगी खाने के लिए टेम्प्ट कर दिया आई एम रियली सॉरी,
खा के हो गया तो निखिल आया, सो ही लव्स डोसास नाउडेज लाइक अ लॉट, तो मैंने इसलिए डोसा और चटनी बनाया घर पे एंड ही लव्स इट. ऑसम, 5 स्टार. आई हैव टू अग्री, आई रियली मेक गुड डोसास एंड गुड चटनी. तो निखिल का फेवरेट फूड बन गया है, तो कभी भी जब भी उसका मन करता है ऑलवेज ट्राई टू मेक हिम दिस. आज उसने वैसे मुझे बोला नहीं था उसको क्या खाना है, बट आई जस्ट गेस्ट इज मच दैट ही वुड लाइक टू हैव इट एंड ही इज एंजॉयिंग इट. दिन में जब किचन में 3-4 बार कुक करना पड़ता है ना, सो इट गेट्स रियली टायरिंग और बहुत टाइम भी निकल जाता है. बट निखिल को खुश देख के बहुत अच्छा लगता है बिकॉज ही सच अ गुड ईटर. उसको कुछ भी उसका दे दो खाने का तो पूरा ख़त्म भी कर लेता है अच्छे से एंड ही बिकम्स रियली हैप्पी. तो आई लव टू कुक फॉर हिम. अभी हमें बाहर भी जाना है, गेटिंग रेडी एंड प्रेपिंग माई स्किन. सच में किचन में काम करने के बाद नौला टेकिंग केयर ऑफ योर स्किन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पूरे पोर्स वो हीट से पूरे खुले हो जाते हैं एंड देन इट्स द बेस्ट टाइम कि अपने मुँह को पानी से धो दो एंड जस्ट पुट सम नाइस सीरम विच विल कीप योर स्किन फीलिंग नाइस. ये जो सीरम है दिस इज़ लाइक माई न्यू फेवरेट सीरम विच आई लव सो मच. दिस इज़ द 10% वाइटामिन सी फेस सीरम फ्रॉम द डर्माको विच ऑल्सो हैज़ 5% नाइसिनमाइड. इसलिए मेरा फेवरेट है बिकॉज दीज आर टू सुपर हीरो इन्ग्रीडियंट्स इन वन. मतलब कि इवन नाइसिनमाइड एंड वाइटामिन सी दोनों ही इन्ग्रीडियंट्स आपके स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं इवन इफ यूज़ इट लाइक बाई देम सेल्स. लेकिन ये दोनों इसमें साथ में इंक्लूडेड है सो इट्स लाइक मोर इफेक्टिव फॉर योर स्किन. वाइटामिन सी इज़ ग्रेट फॉर लाइक पिगमेंटेशन, फॉर एक्ने मार्क्स एंड फॉर ब्राइटनिंग योर स्किन. यू नो आपकी स्किन में रेडियंस लेके आता है. सो विटामिन सी इज़ रियली गुड एंड दिस हैज़ अ रियली नाइस कॉन्सेंट्रेटेड 10% वाइटामिन सी इन दिस. तो आपकी स्किन में इफेक्टिवली अब्जॉर्ब होता है एंड गिव्स यू गुड रिजल्ट्स. एंड देन दिस 5% नाइसिनमाइड. नाइसिनमाइड इज़ ग्रेट फॉर इवन टोन स्किन, जिसको डिस्कलरेशन है आपकी स्किन में. लाइक आई हैव अ लॉट ऑफ डिस्कलरेशन हियर, सो दैट्स वाई दिस प्रोडक्ट इज ग्रेट फॉर मी. कैन यूज लाइक ट्वाइस अ डे. आई लाइक यूज इट इन द मॉर्निंग एंड इन द नाइट बिफोर गोइंग टू बेड. लाइक आज आई डिडंट यूज इट इन द मॉर्निंग सो आई एम यूजिंग इट नाउ बिफोर गोइंग आउट. दिस फॉर्मुलेशन ऑल्सो हैज हाइलुरोनिक एसिड इन इट. तो आपकी स्किन को सिर्फ रेडियंट ही नहीं, इट ऑल्सो कीप्स इट वेल हाइड्रेटेड. उसका लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आप मेरा कूपन कोड शैनिस20 यूज कर सकते हो फॉर 20% ऑफ एट द डर्माको.com. सो घर पे रेडी होने के बाद हमने मूवी लगा दी मम्मी बिकॉज जल्दी रिलीज होगी, तो नेटफ्लिक्स पे वो देख रहे थे और फाइनली बाहर निकले. मूवी देखने के बाद इतनी बढ़िया मूवी थी कि आई कैन नॉट टेल यू. उसकी 40 मिनट्स बाकी है तो घर जाके देखेंगे, बट जहाँ तक देखी बहुत अच्छी थी. एंड फनी चीज़ ये है कि मैं अपना कैमरा लेके आई, मेमोरी कार्ड डालना भूल गई. आई एम होम बिकॉज अभी मेरे पास बहुत सारे केक्स और पेस्ट्रीज हो गए, सो आई बॉट सम पेस्ट्रीज फॉर अस टू ईट. हैप्पी भाई, सबका वजन बढ़ा. अरे बढ़ाओ भाई, क्या करनी है. निखिल बोलता है कि हैप्पी इज नॉट द राइट पर्सन टू ईट डिजर्ट with because he doesn't eat only desserts. Happy birthday Amisha. Arre bhai happy dinner karke aaya re abhi. Happy birthday to ma'am. Kha liya. Ab to Shanes ko pre birthday cake mila. Abhi dheere dheere karenge. Time hai na abhi to uske birthday. Nahi arre bhai. 4 din. Pehla birthday shaadi ke baad. Bahut kuch pehla ho raha hai. To abhi shopping ke liye bhi pehli baar leke jana padega shaadi ke birthday ke liye. Main to last year bhi birthday dress nahi khareedi. Chalo koi nahi is baar khareed. Abhi sab online shopping karna padega. यार तो OTT प्लेटफॉर्म्स की वजह से एक चीज़ अच्छी हुई है कि कोई भी बेहतरीन मूवी जब मिलती है ना घर पे देखने के लिए, लाइक एट योर कंफर्ट एंड टाइम, जब पॉज करना है पॉज कर लो, फिर जब रिज्यूम करना है करो, वो बड़ा अच्छा हो गया. इतना मज़ा आता है अच्छी मूवीज़ देखने के लिए. गाइज मूवी ज़रूर देखना अपने फैमिली के साथ, इतनी अच्छी मूवी है. मतलब कि कृति सैनन ने इतना अच्छा काम किया इस मूवी में. पंकज त्रिपाठी तो है ही बहुत अच्छे, बट कृति सैनन हैज़ डन अ फिनोमिनल जॉब. अगर ये थिएटर में रिलीज़ होता तो आई थिंक it would do really really well. We were very impressed with this movie. Tufaan dekhne ke baad I think this movie we found exceptionally good. To family ke sath dekho, aapko bahut maza aayega aur movie ka message end mein bahut hi zyada acha hai. I loved it personally bahut zyada. Pair ke 3 baj rahe hain. Hamara plan tha ki aaj hum bahar jayenge Bandra and then we will go to town to do some shopping because I was like birthday ke liye almost sirf 3 days बाकी है, सो आई विल जस्ट शॉप समथिंग दिस ईयर फॉर माई बर्थडे एटलीस्ट. बिकॉज लास्ट ईयर मेरे बर्थडे के पहले, थोड़े दिनों के पहले, मुझे पहली बार एंगजाइटी अटैक हुआ था एंड आई वॉज वेरी वेरी सिक एंड वेरी अनवेल. तो मैं अपना बर्थडे इतना सेलिब्रेट नहीं कर पाई, तो आई डिडंट बाय एनी न्यू क्लोथ्स. जो भी मतलब निखिल के साथ थोड़ा सेलिब्रेट किया था, अपने घर पर थोड़ा सा केक कटिंग किया था, वही किया था. आई वॉज जस्ट रेस्टिंग, बट दिस ईयर आई एम इन गुड हेल्थ. Greatest gift by God, सचमुच में यार. Good health के अलावा और कुछ नहीं चाहिए आपको आपके birthday पे हर ईयर. But
आई वॉज लाइक यू नो पैंडमिक ने एक चीज़ सिखाया कि जब भी लाइफ इज सो अनप्रडिक्टेबल, जब भी आप लाइफ को सेलिब्रेट कर सकते हो करो. सो आई वॉज लाइक इट्स यर आई विल जस्ट गो बाय माई सेल्फ अ नाइस बर्थडे ड्रेस एंड सेलिब्रेटेड नाइसली विथ निखिल. ऑफ कोर्स दिस इज माई फर्स्ट बर्थडे आफ्टर वेडिंग एंड आई एम रियली 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 एक्साइटेड. वैसे तो बोलूँ सचमुच में बर्थडे जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना तो बर्थडे का मीनिंग ही चेंज हो जाता है. आई बर्थडे डोंट फैसिनेट मी दैट मच एनी मोर लाइक दे यूज टू व्हेन आई वाज अ किड, बट इट स्टिल मेक्स मी हैप्पी बिकॉज बर्थडे के दिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि वो दिन सब आपके लिए है. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. लेट्स सी हाउ इट गोज. आई डोंट नो, हर चीज़ भगवान पे छोड़ दो, चाहे आपको नहीं पता सही होता है, जो भी भगवान करते हैं सही करते हैं अपने लाइफ में. सो ऑन दैट नोट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बिकॉज अभी तो ऑलरेडी 3 बज गए. सारे दुकानें जो होते हैं मुंबई में 4 बजे बंद हो जाते हैं, तो अगर हम पवे से निकलेंगे भी तो हम 4 बजे के पहले पहुँच नहीं पाएंगे. सो आई डोंट थिंक विल बी एबल टू एनी शॉपिंग और एनी थिंग टूडे, बट देखता है शायद कल कर लेंगे. सो इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, टू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू न्यू हियर, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन. 24/7 आई लव द पीपल. This is city, I met all my best friends, and I wanna thank every break, I wanna thank every entrance to every building that I step in this city of mine. Oh, you most my best moments in life. See, I